शिवपुरी जिले कोलारा थाना क्षेत्र के भड़ोता रनौत मार्ग ऋषभ माता मंदिर के पास सिंध और गुंजाई नदी के बीच बने टापू पर गुरुवार देर शाम कुछ राहगीर दोनों नदियों के बीच बने टापू पर नदियों का जलस्तर बढ़ने से फंस गए। टापू पर फंसे लोगों ने इसकी सूचना फोन कर परिजनों तक पहुंचाई थी। देर रात परिजनों के जरिए सूचना कोलारस थाने तक पहुंची। सूचना मिलते ही मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी अजय जाट ने टीम रवाना कर पुलिस प्रशासन सहित SDERF की टीम ने डेरा डाल दिया था। सिंध नदी में तेज बहाव और टापू की ऊंचाई के चलते रात में रेस्क्यू संभव नहीं हो सका था, लेकिन शुक्रवार की सुबह 6 बजे से टीम ने रेस्क्यू शुरू किया। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद टापू पर फंसे सभी 8 लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित वापस लाया गया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। नाम क्या है तुम्हारा? रहने वाले देरदा का जी। देरदा यहाँ पे कैसे फंस रहे थे? यहाँ पे क्या हुआ कि कॉलेज गए हुए थे तो थोड़ा थोड़ा पानी था, निकल गया, एकदम पानी आया तो मैंने कहीं जाग बल जाना, फिर बेकार है क्योंकि बस साइड भी बहुत ज़्यादा पानी आ गया था, हम बीच में फंस के रह गए। तेरा क्या नाम है छोटू? हम बताओ आगे क्या लिखते हो? कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ पे क्या करने आए थे? आपका क्या नाम? दो साथ में। आपका क्या नाम? मेरे साथ में। कोई दिक्कत तो नहीं आई रात में? नहीं, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। सिंध नदी है, इस टापू पर फंसे हुए थे 8 लोग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।